हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्टी फूड एंड फूडी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तोरी की बहुत ही टेस्टी सब्जी। तोरी की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, क्या आपने नोटिस किया कि आपकी तोरी की सब्जी काली सी क्यों पड़ जाती है? उसी चीज़ का सलूशन लेकर आए हैं आपके पास, बहुत ही टेस्टी क्रीमी मलाई वाली तोरी की सब्जी। तो इस टिप और ट्रिक के साथ रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक किलो तोरी ली है, इसे अच्छे से हमने धो लिया है ताकि बाद में हमें धोना ना पड़े, तो हमारी तोरी जो होगी बिल्कुल सूखी सूखी सी होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, तोरी आपकी सूखी हो, धोकर उसे सुखा लें और इस तरह से कट कर लें क्योंकि तोरी में ऑलमोस्ट पानी होता है। तो 1 kg के करीब हमने तोरी ले ली है, इसे कट कर लिया है जो ड्राई है बिल्कुल। और साथ में हम लेंगे प्याज, 5 प्याज लिए हैं मैंने, आप कम ज़्यादा इसे कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और साथ में अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो इसे हम बारीक चॉप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में 1.5 कड़छी के करीब यानी कि 1.5 चम्मच सरसों का तेल डाला है। इसे हम गर्म होने के लिए रख देंगे, जब ये धुआं छोड़ जाएगा तभी हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। तो तेल कच्चा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, अब इसमें मैं 1 चम्मच के करीब जीरा डालूँगी। गैस ऑफ कर दिया है क्योंकि तेल काफ़ी गर्म था, तो इस तरह से जो हम इसमें जो डालेंगे वो जल सकते हैं, इसलिए गैस को ऑफ कर दें। और इसी में डाल दें मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई। तो इसे अब पकाएंगे, अब आप गैस को ऑन कर सकते हैं। इसे भून लें, जीरे को अच्छे से भून लें, तभी हम इसमें प्याज डालेंगे। इसकी अरोमा बहुत बढ़िया आती है, इससे टेस्ट जो होता है काफ़ी इन्हेंस हो जाता है रेसिपी का। तो आप जब भी अपनी सब्जी बनाएं कोई भी, तो आप इस तरह से पहले इस तड़के में इस तरह से ज़रूर डालें। और साथ में डाल देंगे हम प्याज जब हमारा जीरा और अदरक लहसुन भुन जाएगा। तो प्याज हम अच्छे से भुनेंगे, हल्का गोल्डन कलर करेंगे, तो इसे हम करेंगे फ्राई। अच्छे से जब प्याज फ्राई हो जाएंगे और इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये पक जाएंगे, तभी हम इसमें तोरी डालेंगे। तोरी गाइस आपकी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसे फुल आंच पर आप भून लें, सिम पर भून लें, ये आप पर डिपेंड करते हैं। इसके लिए फ्लेम और ये देखिए तोरी हम इसमें इस तरह से डाल देंगे। और गाइस, जिस तरह से हमने प्याज फ्राई किए उसी प्याज में तोरी को फ्राई करेंगे। आप सोच रहे होंगे अरे गाइस, इसने नमक मिर्ची नहीं डाली। नमक मिर्ची हम बाद में डालेंगे, तोरी को भी हम पहले फ्राई करेंगे। अच्छा, क्यों फ्राई करेंगे ये भी नोटिस कीजिए, क्योंकि इससे तोरी का कलर चेंज नहीं होगा, ये काली नहीं पड़ेगी, बिल्कुल हरी हरी सी रहेगी, इसलिए हम इसे फ्राई कर रहे हैं। और तोरी फ्राई हो चुकी है, इसकी क्वांटिटी देखिए कम हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे नमक मिर्ची जो भी है, मसाला 1 चम्मच डाल दिया, और मैंने 1 चम्मच ही इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच ही इसमें डालूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी देगी मिर्च टू कलर के लिए, ये ऑप्शनल है। तो ध्यान रखिए कि आपने पहले भी हमने हरी मिर्च डाली है, उस अकॉर्डिंग आप इसमें मिर्ची डालें। तो इसे करेंगे हम मिक्स। तो इससे जब हम मिक्स करेंगे, क्योंकि ये पानी थोड़ा सा छोड़ जाएगी तो जो तोरी होती है, तो आप जब भी इसे मिक्स करें फुल आंच पर ही करें, ताकि जो ये पानी जो छोड़ेगी वो हम ड्राई कर सकें। तोरी जो होती है बहुत जल्दी बन जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और इसे फुल आंच पर इसका पानी सुखा लेंगे। रियली गाइस, बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका कलर चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन से ऊपर से तैरती हुई बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप ड्राई खाना चाहते हो तो इसी तरह से तोरी को एक बार चेक कर लें कि वो पक चुकी है। जब वो पक जाए, वैसे 5 मिनट ही लगेंगे पकने में, और उसके बाद आप ऐसे भी सर्व कर सकते हो। लेकिन मैं इसमें डालूँगी दूध मलाई, थोड़ी सी और क्रीमी टेक्स्चर देने के लिए। तो इसे अच्छे से भून लें, जब ये पानी अच्छे से सोख जाए तभी हम इसमें दूध डालेंगे। रियली गाइस, बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिएगा।
1 kg मैंने तोरी ली थी। आप अपनी जो तोरी हाफ के जी जितने भी लेने चाहते हैं उस अकॉर्डिंग इसे हाफ हाफ करते जाइए, इसके नमक मिर्ची को सबको। तो ये देखिए ये अच्छे से भून रही है, इसका सारा पानी सूख जाएगा। तो ये प्रिपेयर है ऐसे खाना चाहते तो। इसमें मैं डाल दूंगी 2 कटोरी दूध भरकर और साथ में मलाई, जो घर में नॉर्मल दूध के ऊपर आती है ना वही मलाई है, तो मैंने मिक्स कर कर डाल लिया है इसमें। रियली गाइस एक बार ट्राई कर लीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे, मलाई को इसके में मिक्स करेंगे, सो क्रीमी टेक्सचर आएगा इसका। और गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप इसमें दूध डालें तो दूध ठंडा होना चाहिए, गर्म दूध होगा तो वो फट जाएगा। और जब आपने इसमें दूध डालिया, सिर्फ आप इसे सिर्फ गर्म करें, हल्का सा इसमें बॉईल आए तभी इसे बंद कर दें, अगर आप ज़्यादा आंच पे रखेंगे तो ये दूध फट जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेल्थी खाइए, हेल्थी रहिए, टेक केयर, बाय बाय।